उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य साथियों को मेरा आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक नमस्कार मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ हाय अश्विन जी बाय हाय हाय सुंदर हाय अल्कोहलिक एनोनिमस यह दरबार अल्कोहलिक एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है मेरे परिवार ने जबरदस्त साथ मेरा जबरदस्त साथ दिया है मेरे स्पॉन्सर जो है उन्होंने समय समयोचित हर हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया हर हमेशा करते रहते हैं और आप लोगों के बीच में ही मैं वापस अपने आप को पा सका समझ सका और खुद के भीतर ही मैंने अपने परमपिता परमेश्वर को आज हर हमेशा अपने साथ में महसूस करता हूं कि एक जबरदस्त शक्ति के रूप में वो हर पल हर क्षण मेरे साथ में है और उसी के द्वारा एक दिन के आधार पर शराब के पहले जहरे घुट से बड़े आनंद के साथ में दूर हूं और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी हर क्षण हर पल बड़े आनंद के साथ संयम के साथ स्थिरता से सदविवेक से जीने में वही परम पिता परमात्मा मेरी भरसक सहायता करते रहते हैं मैं तहे दिल से आभारी हूँ पायनिया समूह का बहुत करीब से पायनिया समूह से मैं जुड़ा हुआ हूँ आज भी मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे परिवार के साथी हैं जिन्होंने बड़ा प्यार और बहुत सहनशीलता मेरे साथ में दिखाई आज जब अल्कोलिक सर के साथ में आप लोगों के साथ में ये पंद्रह साल का सफर पूरा करके जब अपने पिछली जिंदगी की तरफ देख रहा हूं तो परमानंद है इतना जबरदस्त रीत्या अपने आप को आप लोगों के बीच में सुरक्षित पा रहा हूं और अल्कोहोलिक में बार बार ये बोला जाता है कि ये एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला का एक मजबूत कड़ी आज इस धरोहर के द्वारा दिए गए हुए तत्वों का सिद्धांतों का मेरे जिंदगी में आना और जैसा भी मैं उसको मान रहा हूं समझ रहा हूं उसका एहसास कर रहा हूं अपने साथ में वो परमात्मा का आप सब लोगों के बीच में मुझे हर हमेशा उसका एहसास होते रहना यही कारण है कि मैं आज ये कड़ी का हिस्सा बनाऊ अन्यथा मैं तो कभी भी जो बोला जाता है कि जब एक बड़ी सी नाव समुद्र के बीच रात में एक तूफान में घिर जाती है और डूब जाती है तब तो इंजिन रूम से नीचे हुए जहाँ एक बड़े से जहाज में इंजन रूम होता है वहां पे खलासे लोग होते हैं वहां से लेके तो कैप्टन टेबल तक जो वीवीआईपी वी गेस्ट होता है या उस जहाज में सफर करने वाला एक उच्चतम नागरिक होता है वो भी जब उस डूबते हुए जहाज से उस देख पर आते हैं उस अंधेरे रात में उस तूफान में उनको मालूम हो जाता है कि अब तो गए अब तो बचने की उम्मीद ही नहीं है उसके बावजूद वो साहस करते हैं क्योंकि अब जहाज में रुकना यानी मरना तो निश्चित है तो एक आखिरी प्रयास रहता है कि इस तूफान भरे समुंदर में जहां पर दूर दूर तक अंधेरा है कोई किनारा नहीं है उसमें कूद जाए हो सकता है कोई बचाने वाला आ जाए दोनों कुत्ते हैं और अंधेरे में जब वो पानी ठंडा पानी बदन से टकराता है तो एक ही बात निकलती है जहन से रूह से परम पिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह मालिक खुदा जो भी जैसी भी मान्यता बचपन से लेकर उसके जहन में कहीं पे तो भी बनी हुई रहती है उससे वो दूर हो गया रहता है अपने इस सांसारिक जीवन में वो एक ही आवाज जम से निकलती है कि बचा ले और जब उस व्यक्तियों को बचाकर एक नाव पे लाया जाता तो उनके खुशी का परिसीमा नहीं रहती वो खुशी वहीं तक सीमित नहीं रहती बल्कि उनको जो एक मौका मिलता है कि उस नाव से उस समंदर में डूबे हुए अन्य डूबते हुए व्यक्तियों को बचाकर नाव पर लेने की उनके जीवन को बचाने के तो जैसे जैसे एक एक एक-एक एक-एक ऊपर एक 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 आते जाता और उसका जीवन बचते जाता तो उस आनंद की परिसीमा नहीं है ये आनंद पराकृति का है मैंने इस आनंद को महसूस किया है हम में से सबने इसको महसूस किया है लेकिन मेरे जिंदगी का सफर ऐसी नाव के पास में आने के बाद में भी मुझे लगता था मैं नाव पे चढ़ गया मगर मैं नाव पे कभी चढ़ा ही नहीं था मुझे लगता था कि मुझे एक सेवियर मिल गया मैं मुझे बचाने वाले मिल गए वो बचाने के लिए तत्पर थे हमेशा तैयार थे मगर मैं बंडखोरी करने वाला हर हमेशा अपने मनमर्जी से चलने वाला हर हमेशा अपने ही जीत पे आया हुआ दिखने को एक जबरदस्त नाटककार बहुत शालीन नम्र बहुत समझदार मगर ये मेरा तरीका ये मेरा व्यक्तिमत्व जो एक डिसऑर्डर के रूप में आया डिजीज के रूप में आया इलनेस के रूप में, में आया वो तो बचपन से घटते हुए आ गया था मैं तो अपने ही तरीके से सब चीजों को अपने कंट्रोल में या अपने खुद के एक प्रकार से सब इसमें मैं हावी होना चाहता था सब तरफ मैं छा जाना चाहता था सब तरफ मैं प्रमुख रहना चाहता था जबकि मैं बहुत डरा हुआ सहमा हुआ एक नादान बच्चे के समान जिसको समझ नहीं है जिसको किसी भी प्रकार से अपने जिंदगी के बारे में अपने बारे में अपने जीवन के बारे में अपने संबंधों के बारे में अपने रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी ज्ञान ही नहीं है जिसके जीवन में हर वक्त एक कमी पना की भावना है जो भावनिक रीतिया बहुत सेंसिटिव है बस जैसा एक पेट्रोल को एक पीली लगने की गरज है वो भड़कना है वैसे मेरे जीवन में घटना घटने की गरज है मैं भड़क जाता हूं या दुखी हो जाता हूं या निराशा में चले जाता हूं या में, करुणा में में अपराध बोध में और इतने जबरदस्त रीते चले जाता था मैं भड़कता तो कम था मैं सभी नेचर का ज्यादा था मैं एग्रेसिव कम था मैं हर हमेशा क्योंकि मेरे जिंदगी में हर हमेशा मुझे लगता था कि मेरे जिंदगी ये जिंदगी जो है या मैं जिस खानदान में पैदा हुआ वहां पे मैं छोटा होने के कारण मेरे को दबाया जाता है शुरू से ही बचपन से ही मेरे माँ पिताजी मेरे भाई लोग मुझे बहन नहीं थी बहन का प्यार नहीं था माँ जल्दी गुजर गई तो इस सबसे वंचित होने के बाद में मुझे ऐसा लगता था हर हमेशा कि इस दुनिया में मेरा नजदीक का मेरे को प्यार करने वाला मेरे को चाहने वाला कोई है ही नहीं मैं उस प्यार की तलाश में उस आनंद के प्यार का आनंद पाना चाहता था कोई तो भी अपना उसमें मेरी हिम्मत नहीं होती थी किसी से बात करने से की किसी से संबंध बनाने की किसी का विश्वास जीतने की कहीं पे तो भी मैं मुझे लगता था कि मैं कम गिरता हूं हालांकि मैं कोशिश बहुत करता था कि मैं अव्वल रहूं पढ़ाई में खेलकूद में कोई भी जगह पे मैं आगे जाना चाहता था और करके खास करके जहां पर शिद्दत से मेहनत लगती है सातत्य लगता है परिश्रम लगते हैं उन चीजों से मैं दूर हो जाता था जैसे पढ़ाई है तो मेरे को यश तो चाहिए था मगर वो कष्ट नहीं चाहिए थे मुझे नाम तो चाहिए था अव्वल आना तो बनता है मगर उसके लिए सातत्य और कष्ट मेरे को नहीं जमता था तो मैं दूसरे मेथड्स में दूसरे जो बातें हैं उनके तरफ पलट जाता था कि कॉपी करो उसके परिणाम मैं बचपन से भोगता था मेरा नाम खराब हो रहा था खेलकूद में अव्वल आना चाहता था तो वहां पे मैं अपना एक इस प्रकार का मेरे माइंड का कुछ खेल चलता था कि मैं स्कीमर था बहुत बड़ा स्कीमर रहता था और मैं कुछ ऐसे स्कीम्स करता था कि जिससे सामने वाले का मनोबल टूट जाए या वो किसी प्रकार से इंजर्ड हो जाए या वो खेल नहीं पाए बराबर तो स्लेजिंग जो होता है सामने वाले को चिड़ा रहा उसके उसका पेशेंस फोर डालना उसका ध्यान भटका देना उसको चिमटे निकालना या उसको जाके धीरे से कुछ तो भी उल्टी सीधी एक हाथ गाली वगैरह दे देना उसका कंसंट्रेशन बिगाड़ के जीत हासिल कर रहा मेरे वो जितना बड़ा अच्छा लगता था मैं हारना नहीं चाहता था मेरे घर वाले भी मेरे को इस जीवन में एक सक्षम एक व्यक्ति बन, बनवाना चाहते थे मेरे को इस जीवन में शिस्थावर करना चाहते थे और बहुत अच्छे परिवार का एक सदस्य होने के कारण उनके मेथड्स जो थी उनके जो प्रक्रिया थी वो मेरे को शिक्षित करना चाहते थे मेरे को संस्कारित करना चाहते थे मेरे को क्लासेस लगा के देते थे मेरे को वो श्लोक वो घर में वो वो पूजा पाठ, भगवान आराधना ये सब मेरे को जमता ही नहीं था मैं एक शोबाजी करता था हाथ जोड़ता था मगर मैं इन चीजों से ज्यादा अपने खुद को सक्षम रहा खुद को स्वयं पूर्ण रहा खुद को जबरदस्त रीत्या सब इसमें माहिर बनाना तो वो भवरा खेलने का है तो मैं ऐसा भवरा खेलूंगा कि मेरे, मैं कभी मेरे ऊपर डावी नहीं आएगा मैं अगर कंचे खेलूंगा तो मैं ऐसा चाहता था कि कंचे मैं इस प्रकार खेलू कि बेंदा फाक मईज करूंगा और मैं कंचे हर हमेशा मैं जीतूंगा पतंग क्या उसके मेरी जुनून रहता था वो पतंग बना रहा है मंजा घोट रहा अनेक लड़कों को जमा कर रहा लड़के इधर से चक्रे उधर लेके जा रहे हैं, टोली की टोली रहती थी मेरे को बड़ा अच्छा लगता था वेद आई यूज टू लीड मेरे को लगता था आई एम द लीडर मैं इनका सबका एक लीडर हूं बहुत जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए और उसमें मेरे जीवन में शराब आई और शराब शुरू से ही मुझे जबरदस्त हादसे मेरे जीवन में बिल्कुल शुरू से ही होना चालू हो गया था मेरा अल्कोहलिज्म बहुत फास्ट था पहले ही मौके पे मैंने अपने जिंदगी में अपने तीन दोस्तों को नदी में डूबते हुए देख लिया था जिन्होंने मेरे साथ में उस दिन शराब पी थी मेरा फर्स्ट ऑकेजन दूसरे ओकेजन में मैं ब्लैक होल स्टेज तक गया था वॉयेंट हो गया था एंटी सोशल हो गया था क्या कर रहा था क्या नहीं मेरे को कुछ याद नहीं लोग बोले थे यार अश्विन तू क्या अरे बाप रे बोले तेरे को संभालना तेरे को पकड़ के रखना और तेरे को बचाना क्योंकि वो पुलिस वाले आ गए थे पकड़ने को वहां से वो मॉब में वो जो जुलूस था उसमें वो बच्चों ने किस प्रकार मेरे को कंट्रोल किया आई वॉज अनकंट्रोलेबल उन्होंने किस प्रकार मेरे को कंट्रोल किया मालूम नहीं और मेरे को एक हॉस्टल के रूम में ले जाके सुला दिया था। शुरू से ही शराब ने मेरे जिंदगी का सुकून रिश्ते नाते संबंध मेरा विश्वास जो मुझे लगता था मेरे में है बट आई वाज फेक ये तो था ही नहीं मेरे पास में मेरा पर रिश्ता सब सब मेरे को ऐसा लगता था मेरे पास में है मगर मैंने अपने जिंदगी में वो कभी पाया ही नहीं था या मैं उन, उन, उन तक कभी पहुंचा ही नहीं था उस प्रकार की शिद्दत से अपने जिंदगी में काम करना मुझे कभी आया ही नहीं था उस प्रकार से मैंने अपने आप को संस्कारों से कभी तैयार ही नहीं किया था मैं तो भगोड़ा था लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मेरे पास में है मगर शराब ने वो जो मेरा मानना था वो जो मेरी कल्पना थी कि मैं कुछ तो भी हूं वो भी शुरू से ही मेरे से छीनना चालू कर दिया था फिर भी मुझे हर वक्त यह वहम था कि मैं अहम हूं और ये मेरा अहम ये मेरे पर्सनालिटी का वो डिसऑर्डर था अपने बारे में अपनी सच्चाई या अपना वास्तविकता या अपने जीवन का मूल मुझे मालूम नहीं और मैं इस दुनिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता था अपने आप को बनाए रखना चाहता था अपने लिए एक पोजीशन तैयार करना चाहता था अपने खुद को एक जीवन में स्थान देना चाहता था जो अज्ञान था इग्नोरेंस था वो कायम स्वरूप में था शरीर बढ़ रहा था जिंदगी आगे जा रही थी घर दर वाले अपने तरीके से प्रयत्न कर रहे थे कि काम धंधे से लग जाए शिक्षित हो जाए तो वो सब प्रक्रिया जो माँ बाप रिश्ते नाते संबंध के लोग एक व्यक्ति को जिंदगी में सुरक्षित करने के लिए उसको एक आयाम देने के लिए उसको एक ढांचे में ढालने के लिए जो भी बातें करते हैं प्रेम से गुस्सा होके के पनिश करके समझा के या अलग अलग तरीके से उसके जीवन में कुछ सुधार के प्रक्रिया के लिए उसके जीवन में कुछ काम धंधा या बाकी सब चीजें करके वो सब मेरे जीवन में करने में आ गया था मैं तो अपने तरीके से शादी करना चाहता था मैं तो अपने तरीके से ही जीना चाहता था लेकिन सब खोते गया था सब निकलते जा रहा था कैसे तो भी क्योंकि मैंने कहा कि मेरे हर वक्त सॉफ्टवेयर और इजियर वेस्ट थे उसको अगर मैं डिटेल्स में बताऊं तो बहुत समय आएगा मगर मैं कभी भी सही तरीके से पढ़ाई करके पास नहीं हुआ हर वक्त मैंने कॉपी की उसने भी मैं एक टेक्निकल एजुकेशन जो है वो लेते वक्त पकड़ा गया रस्टिकेट हो गया घर वालों को लगा कि अब शायद कुछ नहीं होगा हर वक्त मैंने घर वालों को हंसाया ही धोखा ही दिया हर वक्त वो मेरे से नाराजी में गए दुखी हुए उनका विश्वास टूटा उनको बड़ा बुरा लगा मगर इसका बारे में मैं कहीं पे तो भी बेटर हो गया था बचपन से जो मैंने मार खाया जो सजाए मुझे देने में आई जो मेरे को चोरियों की आदत लग गई थी जो अपनी बातें करने के लिए जो स्वातंत्र मुझे चाहिए था जिस प्रकार से बाकी बच्चे छुट्टी के वक्त स्कूल के आइसफ्रूट खाते हैं, वो बुरकुट खाते हैं वो बेर खाते हैं वैसा खाने के लिए मेरे पास में पैसे मेरे को मिलते नहीं थे तो वो चुरा लेना ये मेरी आदतें बन गई थी और पकड़े जाने पर जो भी होता था उसके लिए मैं बेडर हो गया था मेरे को ना रोना आता था मेरे जीवन में ये भावनाएं मर गई थी कि क्या मुझे मालूम नहीं खुशी की भावना आनंद की भावना दुख पीड़ा की भावना और शराब ने तो मुझे भावना विरहित कर डाला था भावना ही नहीं थी, ही निकल गई थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत भावनात्मक हूँ बहुत संवेदनशील हूँ दूसरों का दुख समझता हूँ पीड़ा समझता हूँ मगर जो आदमी अपना खुद का दुख अपने खुद के परिवार के लोगों का दुख अपने खुद के धरोहर में जो बोला जाता है कि ये एक व्यवस्था है उस व्यवस्था में मेरे को दिए हुए सब जुड़े हुए लोगों के हित को भी नहीं समझ रहा हूं वो समझ ही नहीं है वक्ल ही नहीं है उसको कहाँ की भावना कहाँ का दुख कहाँ का दर्द कहाँ की पीड़ा कभी कभी जब मेरे से कोई चीज छिरी जाती थी जैसा मेरे से मेरे को मैं जिस लड़के पे प्यार करता था उसने जब मेरे को मना कर दिया मेरी आदतों के वजह से तो एक तरफ मेरे को लगता था क्या ये दुनिया है मेरे को मेरा प्यार तक नहीं मिलता एक तरफ दुनिया के प्रति इतनी नफरत इतनी नाराजी ऐसा लगता था पूरा दुनिया को खत्म कर डालो उड़ा डालो ऐसा कुछ तो भी मेरे को मिल जाए कि सब खत्म हो जाए कोई नहीं रहे कुछ नहीं होना ये सब और एक तरफ लगता था कि मार डाल अपने आप को खुद ही खत्म हो जाए ये दुनिया वाले तेरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कहीं विश्वास नहीं कहीं कोई किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं कोई किसी प्रकार से कोई दिशा नहीं सब खो रहा हूं सब सब निकल जा रहा है जीवन जीने की नीतिमत्ता नहीं नैतिकता नहीं नियत में ही नहीं बहुत देर से समझा कि का कोई दोष नहीं है सब दोष मेरे नियत का है अल्कोहलिक सरनेमस का मैसेज सत्रह फेब्रुआरी नाइनटीन एटी एट को क्योंकि मैंने कहा कि मैं बहुत जल्दी फास्ट सरायी बना शादी करा देने में आई नाइनटीन एटी टू में आज मेरी जो धर्म पत्नी है जो के लिए है जो मेरे लाइफ पार्टनर है जो दर्जा आज मैं उसको दे पा रहा हूँ वो दर्जा मैंने कभी उसको दिया ही नहीं था वो तो एक खिलौना थी मैं वस्तुओं को अपनी जिंदगी में प्यार करने लग गया था वो लोगों को वापर रहा था वो फिर पिताजी रहे भाई रहे मित्र रहे वो अगर मेरे काम में नहीं आते अगर वो मेरा पर्पज सॉल्व नहीं करते है, मेरा अपेक्षाएं पूरी नहीं होती मेरी डिमांड मेरी मांगे पूरी नहीं होती तो मेरे लिए कोई किसी प्रकार का स्थान मेरे जीवन में उनके लिए नहीं था शराब डर के कारण पहले हादसे के बाद में चार साल तक रुकी दूसरे ब्लैकआउट के बाद में दस साल तक मैं शराब नहीं पिया बहत्तर से बयासी तक बयासी में शादी हुई उस वक्त मेरे जिंदगी में मेरे घरदार का विश्वास निकल गया था मेरे से जो शादी करने वाली लड़की थी उसने उसका विश्वास चले गया था तो मैं जबरदस्त रीत्या अपने आदतों के वजह से मुंबई छोड़ के नागपुर चले गया था उन आदतों ने मेरे को इस मुकाम पे लाया था कि शायद मैं चोरियां करते हुए पकड़ा गया रहता वो जुए की आदत थी खेल कूद बाजी जुए लग गया रख रग, दिया था काम धंधा सब बाजू में निकल गया था आई वांटेड टू अर्न फास्ट मेरे को फास्ट बनना चाहिए था मुझे बहुत जल्दी अमीर बनना चाहिए था ज, चाहता था मैं मुझे बहुत जल्दी बंबई में कुछ तो मकान उकान ये वो करके एक शानदार तरीके से जीना था लेकिन नियत नियति दोनों मेरे को कुछ सबक देना चाहते थे कुछ पाठ देना चाहते थे मैं वो कभी लेता ही नहीं था डर जाता था घबरा जाता था भाग जाता था खुद को बाहर डालना चाहता था वैसे प्रयत्न करता था मगर वो अधूरे रहते थे वो भी दिखावे के रहते थे मेरा पहला प्रयत्न तो बिल्कुल दिखावे का था मैं चाहता था कि मैं उस लड़की के लिए जान दे रहा हूं ये समझ के ये रिश्ते लाते में संबंध में जो लड़की थी वो मान जाए और वो मेरे से शादी कर दी मुझे अपनी कोई चीज जिसको मैं अपना समझता था, था वो मेरे से छीन जाना ये मेरे को सहज नहीं होता था फिर उसको पाने के लिए मैं कुछ तो भी उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहता था वो सब हुआ दी। मेरे पिताजी ने मुझे संभाला मेरे बहुत सारे मित्र उनसे मिले हुए अपने काम धंधे में लगाया फिर से उन्होंने ये कहा कि ये थोड़ा सा भटक गया है लड़का मेरा है इसमें वो सब है सिर्फ इसको एक बार ठीक से संभालने की आवश्यकता है जबकि मेरे बड़े भाई लोग जो नागपुर में एक बहुत अच्छा नाम रखते रह, हैं, एक मान्यवर ऐसा कुटुंब है परिवार है उन्होंने यही कह दिया था उस वक्त इसको छोड़ दो इसको रस्ते पे आने दो इसको मार खा ले दो इसको जिंदगी क्या है ये समझने दो लेकिन उन्होंने मुझे अपना लिया अपना बिजनेस मुझे दिया मेरी शादी करा दी और बहस से मैं शादी हुई मैं बड़े जल्दी काम सीख जाता था मेरे में गुणवत्ता थी क्षमता थी योग्यता थी मगर एक हद के बाद में मैन्युलेशन आ जाता था मेरे स्वार्थ आ जाते थे मेरे लोभ आ जाते थे मेरे लालच आ जाते थे फिर मैं उसमें हेरा फेरी करता था दो सौ का काम पांच सौ तक लेके जाता था कुछ ना कुछ गेम चलते थे मेरे और इसी में मेरी शराब वापस आई और उस शराब ने भयानक ऐसा मोड ले लिया मेरी बच्ची का जीवन मेरे खतरे में डाल लिया था मैं खुद जेल में ब्लैकऑउट स्टेज में रास्ते पे गिरा और गेस्ट वाले पुलिस वालों से मैंने उनके ऊपर मैं मालूम नहीं मैंने कोई होशी नहीं था डंडे से मार मूर के पूरे जो पिछवाड़ा है वो हरा नीला कर दिया था उन्होंने और मेडिकल करवा के मेरे को जेल में डाल दिया था मेरे को लगता था मैं वहां पे बहुत लज्जित होता था ह्यूमिलेट होता था बहुत गया वया करता था रोता था वो सब दिखावा था सब नाटक था कि मैं कैसा तो सब समय से छूट जाऊ निकल जाऊं बस और निकलने के बाद में जो बोलते ना कुत्ते की दूम टेढ़ी की टेढ़ी पाइप में जब जाती थी जब तकलीफ में जाता था तो पाइप में जाती थी और तकलीफ बाजू हो गई कि हो जाती थी फिर से। और बहुत जबरदस्त रीत्या वो सब सिचुएशन में से बाहर आया कि मेरी अपनी जो आदतें है मेरी जो जिंदगी है फिर वो शराब मुख्य रूप से आ गई थी बस मैं जाके शराब ही पीता था वादे करता था कस्बे खाता था रोता था क्योंकि मेरे बीवी थे कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं इस प्रकार का होऊंगा उसने ये कहा कि तुम्हारे बारे में अगर मेरे को मालूम रहता पहले मालूम हो गया रहता तो मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की, की रहती अभी मैं फंस गई हूं अभी ये दो बच्चे हो गए हैं, अब मैं ना तुमको छोड़ सकती हूँ मैं सिर्फ अपने आपको मार सकती हूँ मगर मरते वक्त भी मुझे ये लगेगा कि ये बच्चों का मैं क्या करूंगी और इससे तो बेहतर है मैं बच्चों को भी मार डालती हूँ अपने आप को भी मार डालती हूँ वैसा प्रयत्न भी उसने किया रॉकेट डाल दिया था अपने ऊपर खुद के ऊपर मैं नशे में धूत था मेरे बच्चों की आवाज सुन के बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उनकी आवाज सुन के मैं हड़बड़ा के उठा पहले माले पे रहता था किचन का दरवाजा बंद था मैं भागते हुए नीचे गया मैं जब कोई सिचुएशन में अटक जाता था ना तो मैं कासावीस हो जाता था कैसा इसको ओवरकम करूं किस प्रकार इसको ठीक करूं किस प्रकार फिर जो भी करना पड़ता था वादे करने पड़ते थे झूठ बोलना पड़ता था पैर गिरना पड़ता था सब मैं कर लेता था और मैं नीचे गया और पाइप से चढ़ कर क्योंकि मेरे रास्ते तो हमेशा जिंदगी में उल्टे सीधे ही रहे ना मैं नीचे से वो पाइपलाइन से गैलरी में कूदा और गैलरी में उसका वहां का दरवाजा खुला था वहां से जब अंदर गया सीन मैंने आज भी मेरे चेहरे के सामने है मेरे बच्चे रॉकेल से गीले है रो रहे माँ ऐसा मत कर माँ ऐसा मत कर और वो रोते रोते माचिस की काड़ियां जलाने की कोशिश कर रही है और वो जल नहीं रही और मैं शौक हो गया मैंने उनको उसके हाथ से माचिस छीन के फेंक दिया उसको गले लगाया बच्चों को उठा लिया भगवान के मंदिर के सामने बैठा अब ये आंसू पश्चाताप के मगर ये पश्चाताप भी मेरे अहम को या मेरे इस नशे को या मेरे खुद के जीवन में उस डेफ तक नहीं जा रहा था जहां पे ह्यूमिलिएशन ह्यूमिलिटी में जाता है। इसके लिए कुछ तो भी मदद लगती है इसके लिए किसी की तो भी सहायता लगती है और ऐसे सिचुएशंस मेरे लाइफ में एक बार नहीं कई बार आए कई बार आए मगर उसमें से कोई पाठ नहीं आया कोई सबक नहीं आया कोई लेसन नहीं आया हर वक्त आ जाके वही बिहेवियर वही डिसऑर्डर वही पर्सनैलिटी ट्रेट वही व्यक्तिमत्व बार बार उभर कर जो जिंदगी के लिए पूरक नहीं था विनाशक ही था वही बार बार आया बहुत जल्द जैसा मैंने कहा सत्रह फेब्रुआरी पहली मीटिंग की मुक्ति समूह में अपने एकता समूह में उस वक्त बाबू भाई से भी मुलाकात मेरी होती थी वो भी आते थे हालांकि वो ग्रुप सेल्फ ग्रुप था मगर आभारी हूं बापू केका और अशोक पीका जिन्होंने मुझे मैसेज दिया कम से कम अल्कोहलिक इस धरोहर से भले पूरी बोट पे मैं नहीं चढ़ाऊंगा मगर कम से कम मेरे को मालूम हो गया कि एक बोट है जिसपे चढ़कर मैं सुरक्षित हो सकता हूं आज भी नमन करता हूं अब्बासार को मोहन सिंह को और हमारे जीवन भाई जीवन डब्ल्यू श्रीधर जो अब इस दुनिया में नहीं है प्रेम यू ये सब लोग उस वक्त मेरे साथ में थे मगर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया भावनिक रीत्या टूटते गया मानसिक रीत्या टूटते गया ग्यारह महीने के सोबाइटी के बाद में जहां मैं टूटा वहां पे वो ग्रुप भी टूट गया था और मैं अस्पताल में डीआईडिशन सेंटर में चले गया था मेरा पहला डीआईडीशन सेंटर उसके पहले वो ट्रीटमेंट थी डॉक्टर भावे की एक काउंसिलिंग सेंटर वही मातृ सेवा संघ का काउंसलिंग सेंटर था डिहाइड्रेशन सेंटर चालू होने का था मेरे लिए व्यवस्थाएं बन रही थी मेरे को फिर से वापस जिंदगी में लाने वाली गॉड गिवन प्रोविजंस काम में चालू हो गई थी मेरे जन्म के पहले उसकी स्थापना हो गई थी और वो व्यवस्थाएं अपने तरीके से काम करते हुए एक आयाम पर पहुंच चुकी थी और उस वक्त मैंने है। उस मातृ सेवा संघ के चैतन्य व्यसन मुक्ति केंद्र था वो वहां से मैंने आवाज लगाई थी और रमेश डी पायोनियर पायोने ग्रुप के जो उस वक्त महल में सर्विस करते थे नगर में मेरे को उस सेंटर में मिलने आए थे मेरे को गले लगा के भरोसा दिया था घबरा मत तेरा उन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात की मेरे काउंसिलर्स से मेरा डिस्चार्ज कब है ये देखा डिस्चार्ज के दिन वो आके वहाँ पर मेरे पत्नी के साथ मेरे फैमिली के साथ में तैयार बैठे थे डिस्चार्ज होने के बाद में मेरे साथ में मेरे घर तक उस वक्त मैं नगर में रहता था वहां तक घर तक आए थे मेरे को बोले अच्छे से मस्त बैठ के खाना वगैरह खा ले फिर मेरे साथ में चल मेरे को लेके विनय पी से मिलाने लेके धंतोली गए थे वहां से वो एक महीना भर हर हमेशा मेरे को लेने आते थे लेके जाते थे जबकि मैंने उनको कहा था कि अब कोई बात नहीं अब मैं बराबर आऊंगा नहीं बोले तेरे भीतर जो डर है जो तू असुरक्षित महसूस करता है पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा तब तक मैं तेरे को और वैसे भी मैं तेरे साथ में हर हमेशा हूं उसी दौरान ग्रुप में हमारे बाबू भाई है अभी जीवन भाई है जॉन एल साहब है विनायक पी है बहुत सारे पुराने सदस्य और फिर ये मेरे मित्र विजय के हमारे नरेश जी और बहुत सारे मित्र केशव आए हैं प्रकाश जी है बहुत जहन के करीब थे और उसी में वो विश्वनाथ भाई सुशील भाई जो हर हमेशा मेरे साथ में रहे जिन्होंने मेरे को बहुत मदद करने की कोशिश की मेरे को संभालने की कोशिश की मदद भी ये सब लोगों का तहे दिल से है मेरे इसलिए कि इनके साथ में मैं जिंदा रहा मेरी आदतों में सुधार नहीं आ रहा था बाबू भाई कह रहे थे कि बड़ी विनम्रता है इनमें बड़े बड़ा सातत्य है मगर ये मेरे पास में कुछ भी नहीं था ये तो देन के रूप में आप लोगों के बीच में गॉड गिवन प्रोविजन के आज मेरे जिंदगी में उस परमात्मा का प्यार है वो परमात्मा की शक्ति है और परमात्मा के द्वारा जीवन जीने के पद्धति का बात है मेरे मेरा खुद का कुछ भी नहीं है उस वक्त सबसे प्रमुख थे अनिल जी और बाबू भाई को मालूम है कि मैंने ऐसा कुछ एक कांड पीट दिया था मैं तो हर जगह पे हर व्यवस्था में तकलीफ पहुंचाने वाला तकलीफ खड़ी करने वाला एक व्यक्ति मैं किसी भी व्यवस्था में फिट नहीं होता था बराबर मैं सम्मिलित नहीं होता था पूर्णतः एक रूप नहीं होता था मैं कुछ तो भी अपना एक निराला ही खेल मेरा होता था बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने तो हमारे वो नरेंद्र भाई है उनके साथ में मैं बम्बई आया था उस वक्त और वही जुआ भयानक रीता मेरी जिंदगी में आया था मैंने इस प्रकार अपनी सात्विकता गवा दी थी उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी थी वो नशे में चले गया था उसका सोना अंगूठिया जो चली गई थी वो तो खैर मैंने वापस दी थी दे दी मगर जो विश्वास मैंने खोया फेलोशिप का इन भाइयों का जो विश्वास मैंने अपने आप का खोया वो वापस पाने में मेरे को 20 साल लग गए पांच बार डिटेक्शन सेंटर तीन बार लॉकअप तीन सुसाइड्स पंद्रह रॉक बॉटम जीना चाहता था जी नहीं पा रहा था पीना चाहता था पी नहीं पा रहा था नौकरियां चले गई काम धंधा चले गया कौड़ी बोल हमें कोई संबंध नहीं कोई रिलेशनशिप नहीं हमेशा दुखी कष्टी हर वक्त पीड़ित बच्चे बड़े हो गए वो शाहने बन गए एजुकेशनल लोन लेके वो पढ़ाई करने लग गए मेरे बच्चे ने घरदार संभालना चालू किया माँ को संभालना चालू किया मेरी बीवी मेरे साथ में जीना सीख गई मेरा बच्चा मैं तो इनके तरफ कहीं ध्यान ही नहीं था मेरा क्या हो रहा है मैं तो अपने ही इसमें ऐसा कुछ खोया हुआ था सोबर होता था सालों साल निकल जाते थे मगर कोई तो भी एक रॉन्ग टाइम पे जब घर में कुछ तो भी खुशी होंगी या कहीं पे तो भी कुछ अच्छा होने वाला रहता था मेरे जिंदगी में उसी टाइम पे मैं अपने जिंदगी को वापस दोबारा दरक में लेके जाता था कई उदाहरण है मेरे जितने उदाहरण दूंगा उतने कम है किस प्रकार ये सेल्फ विल रन राइट या जिसको बोला जाता है कि मैं जब शराबी बना तो मैंने ये सब मिजरेबल लाइफ एक क्राइसिस बना लाइफ वो क्राइसिस जैसा सब जीवनावश्यक चीजों का नासाड़ी कर डालना उसको खत्म कर डालना उसको निस्तराबुद्ध कर डालना वो सब निकल जाना वो सास कैसे चालू रही वो भूख कैसे चालू रही मेरी जिंदगी कैसे चालू रही मुझे मालूम नहीं बाकी जो भी चीजें हैं जो नैसर्गिक नहीं है जो निसर्ग में होते हुए भी मनुष्य समझता है कि मैं इसका बनाता हूं वो चीजें मैं कभी संभाल ही नहीं पाया जिसे भौतिक चीजें बोले जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड बोला जाता है कभी नहीं उसको ठीक ढंग से वापर पाया था पैसों को ना रिश्तों को ना संबंधों को ना भावनाओं को इस व्यवस्था को मैं अपने जिंदगी में इसका कभी भी ये मेरे जिंदगी को पूरक जिंदगी बनाने वाले जिंदगी को एक आयाम देने वाले चीजें मैं तो इसमें बहुत घातक हो गया था मेरा जो रिटर्न है कम बैक है ये जो स्टोरीज है बैड चॉइसेस की बिखरे हुए जीवन की जबरदस्त रीत्या अपनी जिंदगी को नरक बनाने की इसमें मेजर कम है मेरे स्टोरी में जबरदस्त के तत्वों की भी है और शिद्दत से उसकी पूजा भी है। मैंने जो बोला जाता है कि ये जो आध्यात्मिक साधन है ये जो स्पिरिचुअल टूल्स है ये जो आज युगो युगों से अनेक सालों से अनेक लोगों के लिए दूर दूर तक देशों में हर किस्म के व्यक्ति के लिए जो सिद्धांत बन चुके हैं उनसे अगर मैंने फारकत की उनसे अगर मैंने खेल किया तो मेरे को पनिशमेंट स्ट्रिक्ट एंड श्योर है मैंने अगर अपने लोभों को लालचों को अपने स्वार्थों को अपने स्व केंद्रित प्रवृत्तियों को अपने डरों को अपने उस भयानक ऐसे विक्षिप्त पर्सनैलिटी को अगर पकड़ के रखा उसको अगर नष्ट करने की प्रक्रिया में मैं नहीं गया यानी वो अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म शराब नहीं है मगर बढ़ते जाने वाली बीमारी है शराब नहीं है मगर जिंदगी की दुर्व्यवस्था है शराब नहीं है मगर मूल्य नहीं है नहीं है नैतिकता नहीं है अकल नहीं है शहानपन नहीं है मूर्खता का बाजार है वो आखिरी अवस्था जहां पर मेरे को शॉक्स देते थे वो सुंगनी देते थे वो एनास्थिया देते थे मैं ऑफ हो जाना था, चाहता था मैं गुमशुदा हो जाना चाहता था मैं डार्क में चले जाता था मैं अंधेरे में रहना चाहता था मैं किसी चीज का सामना नहीं कर पाता था ना भावनाओं का ना संवेदनाओं का ना नाते संबंधों का वो सब विश्वास की प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी मेरी और अब जो एनास्थेसिया दिया जाता था जैसे जैसे वो डॉक्टर होना सीरीज से वो एनास्थिया मेरे नस में व्रेन में डालता था बदन ठंडा गिरता था और एकदम से ऑफ हो जाता था कोई संवेदना नहीं कोई फीलिंग नहीं दुनियादारी थी कोई कोई रिश्ता संबंध मैं नहीं नहीं कुछ और सब डार्क एंड आई यूज टू लव इट आज अगर मैं आपके बीच में हूं तो ये बहुत ही विलक्षणीय चमत्कार है ये इन तत्वों का इन प्रिंसिपल्स का इन जबरदस्त बातों का क्योंकि वो आखिरी डे एडिक्शन सेंटर व्यसन मुक्ति केंद्र नव चैतन्य जहां पर बहुत मैंने अपने बच्चे के करीबन मैंने गिड़गिड़ा कर मैंने कहा कि मेरे को एक आखिरी मौका दो और वहां से जो मैं उस नव व्यसन मुक्ति केंद्र में गया वहां पे वो हमारे मुकेश भाई थे काउंसलर उन्होंने कहा अरे अश्विन भाई आप अरे अच्छा हो गया आप ए को जानते हैं यहाँ पे मैं कुछ बता नहीं पाता हूँ आप आ गए आप इनके साथ में बैठ के इनको ए के बारे में बताते जाओ जो ए को समझा नहीं जो अपने जिंदगी को समझा नहीं भगवान ने ऐसी कुछ योजना कि, कि दूसरों को समझाने के लिए मेरे को उन किताबों को उस लिटरेचर को हाथ में लेना पड़ा डेली रिफ्लेक्शन हो गया बिग बुक हो गया, हो गया गया सोबर लिविंग और रोज दोपहर दुफेर को शाम को जो क्लासेस होती थी वो क्लासेस में उसको मैं पढ़ता था और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था मेरे को समझ में आता था कितना नकली है रे तू कितना स्वार्थी है रे तू कितना डिसऑनेस्ट है रे तू कितना बेईमान है रे तू अपने आप से अपने जिंदगी में क्या करके रखा है तूने ये सब जबकि इतनी इतनी बड़ी धरोहर है तेरे लिए इतने लोगों का अनुभव है इतने अनुभवों का सार है तेरे सामने और इतनी सारी रिकवरीज है इतने सारे लोग हैं। वो तो अनिल थे कि शायद ये तत्व थे ये प्रिंसिपल है कि किसी को भी नकारा न जाए किसी को भी अपनी जिंदगी बचाने का ये मौका उससे छीना न जाए वो चाहे कुछ भी कर ले ये लव एंड टॉलरेंस ये एक शराबी के प्रति उसके जिंदगी को बचाने का उसका मौका छीना न जाए इसके लिए उन सब मेरे करतूतों के बावजूद भी ये दरवाजे मेरे लिए खुले रखे गए शिद्दत से लोग यहाँ पर सेवाएं देते रहे जिसमें आज भी मेरे बहुत करीब के मित्र है बाबूह विजय पी मेरे बहुत सारे लोगों का नाम लिया बहुत सारे लोगों के नाम भूल गया मैं या अभी उस इसमें मैं फ्लो में नहीं हूँ मगर विजय के है राजशेखर है मणिक के है मणिक डब्ल्यू है धनराज भाई वो क्या क्या धनराज भाई ने मेरे लिए किया जब इन सब लोगों का वो जबरदस्त प्यार त्याग कृतज्ञता इस धरोहर को बनाए रखने का इस नाव को चलाते रहने का यहाँ पर कोई भी यहाँ पे अगर आना चाहता है तो आके आप लोगों के बीच में समा सके इसके लिए हमेशा तत्पर रहने का ये तो देन थी और करके ये 2008 में उस में सेंटर से कुछ तो ऐसा जहन में आया वास्तविकता है सत्यता है स्वीकार होने लगी सत्य स्वरूप को मैं पहचानने लगा मैं किस प्रकार से भयानक अपने जिंदगी में विनाशकारक प्रवृत्तियों से भरा हूं और विनाशकारक प्रवृत्तियां मेरे शराब के सेवन से सिर्फ दिखाई दे रही है मगर वो तो मेरे भीतर है और सुधार की प्रक्रिया भी अगर मैं पूर्ण स्वरूप से नतमस्तक होके उस परमपिता परमेश्वर को जो मेरा जीवन अब तक चला रहा है उसको नतमस्तक हो जाता हूं तो वो, वो भी मेरे भीतर ही है ये बात भी मेरे को समझ में आ गई थी मगर वो कैसा कर रहा मुझे मालूम नहीं था और एक जनवरी 2009 को जिस प्रकार शेषराव काका ने मुझे अपनाया वो सुप्रभात समूह में गायब है उसके बाद में वो नवजीवन समूह से जुड़ा उधर के सभी समूह संजीवनी समूह गुड मॉर्निंग ग्रुप नागपुर के एक एक समूह के सब लोग मेरे को इतने प्यार से जुड़ने लगे क्योंकि वो प्यार को समझने की अकल मेरे में आ गई थी उस जबरदस्त त्याग की कृतज्ञता की सहनशीलता की जो लव एंड टॉलरेंस इस पूरे शिद्दत इस पूरे धरोहर क्या एक मॉरल कोड है वो विनम्रता क्या है ये तो आप लोगों के बीच में मेरे को समझ में आ गया और राजू एल है बाद में उमेश जे है हमारे नवजीवन के बहुत सारे नया जीवन के बहुत सारे मेंबर्स कितने हैं मैंने अपना एक अच्छा मित्र अभी खो, खोया वीरेंद्र भाई नए नए लोग जो जुड़े बाद में सब भगवान ने जोड़ा ऊपर वाले ने जो, जोड़ा उस लायक मेरी वो बोलते ना वे द स्टूडेंट इज रेडी टीचर्स विल अपियर जब तुम्हारी तैयारी हो जाएगी ना तो ये सब बातें सिद्धत से वो कायदा तुम्हारे तक पहुंचाएंगे और वही व्यवस्था करती है क्योंकि वो स्टोरी में आपको बताई है कि का टूटना आना आंखों में से आंसू निकलना अंतरात्मा से शुद्धता आना प्यूरिटी आना वो प्रोसेस वापस जिस थाना में मैं आना ही नहीं चाहता रहता कभी यहां का मुई नहीं देखना चाहता था तीन साल के सोसाइटी में जहा पे मेरे बच्ची की शादी होगी लड़का सीए हो गया घरदार बराबर चलने लग गया मैं काम धंधो से थोड़ा बहुत लग गया कुछ बातें मैं अपने लिए कम सोचने लगा दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगा कुछ ना कुछ भगवान मेरे द्वारा करवाने लगा और उसके बावजूद भगवान को मालूम था कि अभी भी ये सेल्फ सेंटर्ड है सेल्फिश है अभी भी ये पूर्णता इसने सेल्फ सेंटर्ड self नहीं किया है अभी भी इसके भीतर इसके सीक्रेट से इसने बहुत सी बातें छिपा के रखी है इसको अब फिर से मेरे को कुछ ना कुछ कि करनी पड़ेगी उसकी लीला है अपरम्पार है मुझे वापस थाना में आना पड़ा और आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर थाना में आने के बाद में तीन साल के बाद में जो जुआ मैं खेला जिसमें मैंने वो पूरी धरोहर मेरे बच्ची की वो पावर ऑफ अटल दी उसकी ऐसी की तैसी करके वो लॉकर्स खाली कर दिए पूरा सब मैं हार गया सोना चांदी अपनी इज्जत अपना नाम शोहरत वो गुडविल जो आप लोग समझते हैं कि मेरे पास में है वो सब आपका दिया हुआ मैंने खो दिया मैं तो वॉन्डर हूं मैं तो लूजर हूं उस वक्त अपना मुंह काला करने के सिवा और अपने आप को मार डालने के सिवा मेरे पास में पर मिलता मगर भगवान ने वो

ये सच उनके सामने आएगा तो क्या होगा और मैं जब गया तब मेरे हालत देख के उन्होंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं अश्विन गले लग पहले बोले तू पहला आदमी नहीं है तू आखिरी आदमी नहीं है बैठ और अपने जिंदगी के पाप पूर्णतः से मेरे साथ में शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने रिश्ते नाते अपने संबंध किस प्रकार दाव पर लगाए किस प्रकार कुर्बान किए अपनी आदतों के लिए अपने इच्छाओं के लिए अपने लोगों के लिए अपने स्वार्थों के लिए लेकिन मैंने यहां से एक सबक मुझे मिला मैंने एक पाठ लिया पश्चाताप जब तक सबक में नहीं जाता वो ह्यूमिलिएशन में जाता है ह्यूमिलिटी में नहीं आता पश्चाताप में जब तक नियत नहीं बदलती तब तक नियत ही नहीं बदलती नीतिबद्धता नहीं आती और सब खेल नियत का है और उस वक्त उन्होंने जिस प्रकार से मेरे को हैंडल किया जिस प्रकार से ये सब बातें बताई कि तुझे जो अनुभूति आ रही है तेरे अनुभव में से आई हुई ये अनुभूति इस अनुभूति में ही सब ज्ञान है सब विज्ञान है संज्ञान ले और अगर तू संज्ञान लेता है तो यू आर अ ब्लेस्ड वन और अगर अज्ञानी रहता है अभी भी इग्नोरेंट रहता है अभी अभी अपने आप को नहीं समझ पा रहा है इस धरोहर को नहीं समझ पा रहा है इस गॉड प्रोविजंस को, को नहीं पा, पा कार्य को नहीं समझ पा रहा तो आई एम सॉरी फॉर यू और जब मैंने कहा मैं सब कुछ करने को तैयार हूं तब उसने उन्होंने मुझे गणेश जी के मंदिर में जाके कहा कि बच्चे के समान प्रसाद लेने को जिस प्रकार से तू बैठता था बचपन में उस प्रकार से उसके सामने बैठ जाओ प्रसाद देगा और वहां से लौटने के बाद में आई वॉज अ न्यू मैन और उन्होंने जिस प्रकार से मेरे को आमिष करने को बताया जिस प्रकार से मेरे को नतमस्तक होने को अपने सच को लेकर न डरते हुए न भागते हुए न जान देते हुए उसका सामने करने की हिम्मत दी उससे आज मेरे रिश्ते नाते संबंध मेरे बच्चे से मेरे बच्चे से मेरे पत्नी से मेरे पूरे फैमिली से जहां पे मैं कभी बस नहीं पाया आप सब भाइयों से इस धरोहर से वो भगवान है ईश्वर है वो परमपिता है परमात्मा है जिसने वो सब कर डाला मेरे लिए जो अपने जिंदगी में मैं कभी नहीं कर सकता था इट इज माई ट्रू स्टोरी कि मेरे जिंदगी में आज जो है जो जॉय है जो फ्रीडम है जो मेरी खुद की कहानी मेरे लिए और अन्य लोगों के लिए उसने एक ताकत के स्वरूप में तैयार कर दिए अनेक ये बांधव हैं एक बड़ा परिवार हो गया है आज हर वक्त खुशी है आनंद है समाधान है शांति है ये सब देन है और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे लोगों के मैं नाम ले ले पा रहा हूँ बहुत सारे समूह है बहुत सारी फेलोशिप है चंद्रपुर फेलोशिप है प्रभात भाई है अशोक भी है ये सब लोग मेरे जिंदगी में बार 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 आकर इन्होंने मेरे जिंदगी को घराया है ये सब भगवान के दूत है दे आर ट्रस्टेड सर्वेंट्स ऑफ गॉड जब उस परम पिता को परमेश्वर को उस उच्च शक्ति को उस हायर पावर को जिस भी स्वरूप में हम मानते हुए एक दूसरे का साथ देते हैं तो परमात्मा हम सब के लिए ये धरोहर के द्वारा वो करता है जो हमारे जिंदगी में व्यक्तिगत रूप में हम कभी भी नहीं कर पाते इसकी सिद्धता मेरे खुद का जीवन का ये अनुभव है और ये सब अनुभव एक ही जगह पर विस्तृत रीत्या मेरे समान व्यक्ति जिसको शायद कहीं से नहीं मिल सकता एक स्पॉन्सर के द्वारा हमारे बेसिक टेक्स और बाकी के लिटरेचर के द्वारा और मीटिंग्स के द्वारा और राइट right वे में काम करने से मिल सकता है बहुत इजीली मिल सकता है मेरे सवाल हार्ड वे में बन जाइए द इजियर सॉफ्टवेयर वे इज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ये जो सिद्धांत है इनको पूर्णतः अपना लो बिना डरे बिना सहमे शुरू से ही जो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि वी बेग हम आपके सामने छोरी फैला के भीख मांगते हैं मैं तो नतमस्तक होकर आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई भाई इससे दूर है तो इसको तुरंत अपना ले क्योंकि जान है तो जहान है और जहान का आनंद अगर लेना है तो आनंद यहाँ के अलावा कहीं नहीं है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल मैं बहुत बहुत आभारी हूँ नतमस्तक हूँ आज पूरा शुक्राना है शुक्रगुजारी है मेरे जिंदगी में और कुछ नहीं है थैंक यू सो मच